गुड आफ्टरनून एवरीवन एवरीवन जॉइन द क्लास गुड अनयूजुअल आफ्टरनून पार्टिसिपेंट्स। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। मैम, वेट सो फॉर अ वाइल व्हेन लेट एवरीवन जॉइन द यस वेट फॉर 2 मिनट। वी कैन वेट फॉर 2 मिनट लेट एवरीवन जॉइन। मैम, डिड यू हैव चेक इन इंग्लिश टेस्ट कॉपी? व्हाट मैम, इंग्लिश टेस्ट कॉपी, मैम, आंसर कॉपी, आंसर शीट? यस 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 आई चेक इन द नेक्स्ट क्लास इन स्कूल आई विल शो द कॉपीज ऑल ऑफ यू। वेंसडे। यस नेक्स्ट। थैंक यू मैम। ओनली 12 पार्टिसिपेंट्स आई थिंक रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग। यस मैम। ना सो रहे हैं बाकी बच्चे। तो स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 4 माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ बाय एम के गांधी। व्हाट इज द महात्मा फुल नेम ऑफ एम के गांधी। गांधी, फुल नेम महात्मा ऑफ एम के गांधी करमचंद महात्मा दास गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। ओके सो इट इज क्लियर टू ऑल मोहनदास ऑफ यू दिस स्टोरी इज रिटन बाय एम के गांधी। गांधी। ठीक है महात्मा गांधी ने इस स्टोरी को लिखा है और हम आज वो स्टोरी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द स्टोरी। हु कैन आई विल रीड। यस स्टार्ट। मैम, ओके वन बाय वन स्टार्ट द यू रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ पहले पढ़िए बच्चा। बीन अबाउट 7 व्हेन आई वाज पुट इन टू प्राइमरी स्कूल एंड आई कैन वेल रिकलेक्ट दोस रिकलेक्ट नेम्स ऑफ अदर पार्टिकुलर ऑफ द टीचर हु taught me. I don't remember having ever told a lie entire to my teacher or to my either to my teachers schoolmates. Either to my teacher or to my schoolmates. I used to be very shy and avoided all company. My books and my lessons were sole companies to be at schools at the stroke stork hours. And run back home as soon as the school closed. That was my daily habit. okay next paragraph who will read sorry sorry read the next paragraph Okay, ma'am. yes रीड करिए नेक्स्ट पैराग्राफ को। हाउ मच टाइम यू विल टेक टू स्टार्ट। सॉरी What is he doing? I'm finding that Finding book. ma'am, Finding where? chapter. Finding chapter. It's chapter 4. Open the your book, page number 20, chapter 4. गॉट इट और नॉट सॉरी मिला आपको। चलिए रीड करिए आप फटाफट से।
ऋषभ ऋषभ यू रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ। ऋषभ सॉरी राज है, हमको लगा सॉरी। नो रिस्पॉन्स। सुचित्रा आप पढ़ो पढ़ो। पढ़िए आप पढ़िए। हाँ श्रवणा सुचित्रा सुचित्रा यू जस्ट स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ पे कहना नो नो अर्जुन। निहाल निहाल यू रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ। निहाल नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए बच्चे। सारे सो रहे हो क्या? नो मैम, नो मैम, मैं नहीं नो सो। मैम, ओनली टू और थ्री चिल्ड्रन आर सोइंग देयर वीडियो। रेस्ट ऑफ यू जस्ट टर्न ऑफ द वीडियो एंड आई म्यूटेड योर वीडियो सेल्फ में सब सो रहा एंड है। स्लीपिंग। यस आई कैन सी। बाकी सारे बच्चे वीडियो ऑफ कर दिए हैं, म्यूट कर दिया है और बस सो रहे हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू टेक द क्लास। मैं अगर डिस्कस कर भी दू, चैप्टर एक्सप्लेन कर दू तो क्या समझ में आएगा आप लोगों को? सबको कहिए वीडियो ऑन करने के लिए। टर्न ऑन योर वीडियो ऑल ऑफ यू, ऑल 14 पार्टिसिपेंट्स, सॉरी 15, ऑल 15 पार्टिसिपेंट्स टर्न ऑन योर वीडियो। व्हाट आई एम सेइंग यू जस्ट लिसन एंड डू। टर्न ऑन द वीडियो। मैम यस मैम आपके नाम से कोई एक बच्चा आया हुआ। हुई मैम आपके नाम से कोई बच्चा आया हुआ है। मैम नहीं, वो मैं ही हूँ। टर्न ऑन किया। ओके okay. चलिए सचिन यू रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करिए।
मैम कहाँ से? कहाँ से, कहाँ थे आप, थे कहाँ पे आप? मैम हम पेज नंबर अभी तो ओके, पेज नंबर 21 फर्स्ट पैराग्राफ। अनदर मैम अनदर अनदर सिमिलर, यस अनदर सिमिलर प्ले हरी हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र कैप्चर्ड माय हार्ट, हु शुड नॉट ऑल बी ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्र वाज द क्वेश्चन आई आस्क्ड माय सेल्फ डे एंड नाइट टू फॉलो ट्रूथ एंड टू गो थ्रू ऑल ऑर्डियल्स हरिश्चंद्र वेंट थ्रू वाज द वन आइडियल इट इंस्पायर्ड इन मी। मैम हो गया, रीड रीड कंटिन्यूअस रीडिंग करिए आप नेक्स्ट पैराग्राफ। देयर वॉज अनदर सच इंसिडेंट ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई वॉज इन द सेवेंथ स्टैंडर्ड, डोरा जी जिमी द हेडमास्टर वेरी पॉपुलर अमंग द बॉयज एज ही वॉज अ डिसिप्लिनरियन अ मैन ऑफ मेथड एंड अ गुड टीचर ही हैड मेड जिमनास्टिक्स एंड क्रिकेट कंपल्सरी एंड आई डिसलाइक्स बोथ आई नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज बिफोर दे वर मेड कंपल्सरी आई देन हैड द फॉल्स नोशन टू डू विथ एजुकेशन टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनर इज एन इम्पोर्टेंट एज मेंटल ट्रेनिंग द रीजन फॉर माई डिसलाइक फॉर जिमनास्टिक वॉज माई कीन डिजायर टू सर्व एज नर्स हैपेंड दैट वन सैटरडे आई हैड टू फ्रॉम होम टू द स्कूल फॉर जिमनास्टिक्स At 4 o'clock in the afternoon, I had no watch and no cloud derived me. When I reached the school, all the boys had already left. The next day, on being asked the reason of absence, I told Mr. Jimmy what had happened. He refused to believe me. I was convicted of lying. That deeply pained me. How was I to prove my innocence? There was no way. I learned that a man of truth must also be a man of care. This was the first and last instance of my carelessness in a school. Okay, now stop. नेक्स्ट पैराग्राफ, ये रेडमी 9, व्हाट इज योर नेम? नाम ज्वाला सिंह। सौरभ सिंह, यस सौरभ, यू रीड नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज आप रीड करिए। पिलिग्राम द बुक एंड द पिक्चर एंड द इंप्रेशन ऑफ माय माइंड Her hair is an example for you to copy. I said to myself, another play. कहाँ पढ़ने लग गए आप? हरीश चंद्र? मैम पेज नंबर 21. पेज नंबर 21 रीडिंग इज डन. But there is another nail left for which I am still paying the penalty. I don't know when I got the nation that good handwriting was not a necessary part of education, but I retained it until I went to England. When later inspection is in South Africa, I say the beautiful handwriting of lawyers and young men. I was ashamed of myself and repented of my neglect. I say the bad handwriting was regarded as a signature of incorrect education. I tried later to prove mine, but it was too late. I could never repeat the neglect of my youth. There is another incident
which I must share. I committed a theft when I was 15. I had run into a debt of about 25 rupees. My brother had on his okay, now you stop. Akansha, you read the next. आगे आप पढ़िएगा. आकांक्षा. My brother had no his arm an amulet of solid gold. I stole a bit of gold out of it and the debt was cleared. But this debt became more than I could bear. I resolved never to steal again. I also made up my mind to confess it to my father, but I did not dare to speak. Note that I was afraid of my father beating me. I was afraid of the pain that I should cause him. I decided at last to write out the confession in this note. Not only did I confess my guilt, but I also asked adequate punishment for it. I also promised never to steal in future. With trembling hands, I handed the confession to my father. He read it and pearl drops trickled down his cheeks, wetting the paper. Those pearl drops of love cleansed my heart and washed my sin away. A clear confession combined with a confession never commit the sin again is the purest type of repentance. This incident for me was an object lesson is ahimsa. Ahimsa. Okay. So reading is done. Now we start the chapter. First of all, we will read the pre-reading task. In page number 20, see what is given. To err is human. All human beings make mistakes. But the best of that, they learn, not learn from their mistake and improve. सारे जो human beings हैं, all of the human beings make mistake. हम सारे भी human beings mistake करते हैं. But the most important thing is that, what we learn from our mistake? हम अपनी गलतियों से क्या सीखते हैं? And we, whatever the things we have done, if there is some mistake in it, and what we have to do, we have to learn the things what we have done and we have to improve it. जो भी गलतियां हम करते हैं, चलो गलती तो हो ही जाती है, हो गई, लेकिन उस गलती से, उस मिस्टेक से हम क्या सीखते हैं और उसे इन फ्यूचर कैसे इम्प्रूव करते हैं, है ना. सपोज आपने कुछ रीड किया, आपने मिस प्रनाउंस कर दिया वर्ड को, बट जब आप एक बार उसे रीड किया तो आपको समझ में आया मैंने मिस प्रनाउंस किया, तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, उसे सही से प्रनाउंस करने की कोशिश करोगे, इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे. सिमिलरली इन द सेम मैनर इन लाइफ वी डू ए लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स, बट व्हाट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वी हैव टू इम्प्रूव इट. सो थ्री ऑप्शन इज गिवन. हैव यू एवर मेड एनी मिस्टेक? क्या आप लोगों ने कभी कोई मिस्टेक किया है, बताइए. यस मैम. What mistake you have done, Chaitanya? Tell me about your mistake. क्या mistake किए हो? बताओ. आप बताइएगा. What? How you ever? Have you ever made any mistake? What do you learn from it? And what you learn from that mistake? उस मिस्टेक से आपने क्या सीखा? What do you do when you find a drawback or weakness? जब आपको क्या, जब आपको पता चलता है आपका, आपके अंदर कोई एक drawback है, कोई weakness है आपके, तो आप क्या करते हो? क्या करते हो? Try to improve yourself, try to forget it and don't care at all. Try to hide it from others or try to lay the blame on others. क्या करते हो? So here the first option is correct. अपने अंदर से हटाने का कोशिश. Yes, try to improve yourself, na? So first answer is correct. Try to improve yourself. Okay. So in the first and second question is given. Have you ever made any mistake? What did you learn from it? आपने कभी कोई मिस्टेक किया है और आपने उस मिस्टेक से क्या सीखा? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग रफ कॉपी में करिएगा. Okay.
Okay, all of you understand? Okay. So now, the next, I am going to start the chapter. So, now read this extract from Gandhi's autobiography, My Experiment with Truth. ये जो एक चैप्टर है आपकी बुक में दिया हुआ वो एक एक्सट्रैक्ट है. एक्सट्रैक्ट समझ में आता है, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ जो है एक ऑटोबायोग्राफी है. ऑटोबायोग्राफी आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट मुझे पता अपने है बारे में होती है. पता है ना, जो आप जो अपने बारे में कोई लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से तो लिखी जाती है उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी. यस, जो हाँ अपने लाइफ के उसको कहते हैं बायोग्राफी. बायोग्राफी, ओके, वेरी गुड. सो सेल्फ एक्सपीरियंसेस को जो एक अपने एक बुक के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी. एंड दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी. ये भी एक ऑटोबायोग्राफी, एक पूरी बुक है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ. बट आपके बुक में उस बुक का एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ, एक पार्ट दिया है, नॉट द होल स्टोरी. होल बुक इज गिवन हियर, बट एक्सट्रैक्ट पोर्शन गिवन इन योर बुक एंड वी विल स्टडी इट टूडे. I must have been about 7 when I was put into a primary school, and I can well recollect those days. तो यहाँ पे जो एम के गांधी है, महात्मा गांधी, वो कह रहे मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैं 7 साल का था और मुझे प्राइमरी स्कूल में एडमिशन मिला था, जब उनकी एडमिशन प्राइमरी स्कूल में हुई थी. ठीक है, और उन्हें ये टाइम काफी अच्छे से याद है. ऑब्वियस सी बात है, वो 7 ईयर्स के होंगे तो उन्हें सारी चीजें याद होंगी. Including the names and other particulars of the teachers who taught me. Okay, और जो भी the teachers who taught him in that school, he also remembered his name. जो भी teachers ने उसे पढ़ाया था उनके name भी उसे याद थे, उन्हें याद थे. I do not remember having ever told a lie either to my teacher or to my schoolmate. And what the most important thing about this Mahatma Gandhi is that he, when he was in the school, in primary school, he never told a lie. उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला था, ना ही अपने teachers, either not to the teachers and not to his schoolmates. It means his classmates, उनके साथ पढ़ने वाले उसके उनके friends थे, ठीक है ना, स्कूल क्लासमेट जो भी थे उनसे उन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला था. I used to be very shy and avoided all company. Actually, वो किस तरीके के नेचर के थे? काफी shy टाइप के थे. Shy means काफी शर्मीले थे, ठीक है, वो काफी शर्म और किसी भी कंपनी को अवॉइड करते हैं. सपोज आप लोग एक ग्रुप बनाते हैं ना स्कूल में, एक कह होती है कि मैंने ग्रुप बना लिया है, ये मेरा फ्रेंड है, इससे टॉक करूंगा. तो एक्चुअली इस तरीके की कंपनी को वो अवॉइड करते थे, नजर ज्यादा इन सारी चीजों में वो नहीं पढ़ते थे. वो बस स्कूल जाते थे, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते थे, वापस वो अपने घर आ जाते थे. यस मैम. माई बुक्स एंड माई लेसन्स वर माई सोल कैंपेनियन. जो उनके बुक्स थे और उस बुक्स में जो भी लेसन्स होते थे वो उनके सोल कैंपेनियंस होते थे. मतलब कैंपेनियंस करने का मतलब होता है, कैंपेनियंस का मतलब होता है एक फ्रेंड, एक साथी. तो जो बुक थी उनकी और उस बुक में जो लेसन थे वही उनके साथी थे, ठीक है. इसके अलावा वो किसी से ज्यादा फ्रेंडशिप भी नहीं करते थे और ना ही किसी से ज्यादा बातचीत करते थे. टू बी एट अ स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ द आवर एंड टू रन बैक होम एज सून एज द स्कूल क्लोज. द स्ट्रोक ऑफ आवर, द स्ट्रोक ऑफ आवर का मतलब होता है जो भी वर्क स्कूल का जो भी वर्क होता था, पढ़ाई करना, ठीक है, पढ़ाई करिए, थोड़ा बहुत टीचर से जो भी उन्हें प्रॉब्लम हुआ वो उनसे पूछा, और यही सारी काम वो स्कूल में करते थे. इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा काम वो नहीं करते थे और वो वापस होम आ जाते थे जैसे ही स्कूल क्लोज होता था. डेट वॉज माई डेली हैबिट. और यही उनकी डेली हैबिट थी, स्कूल जाना है, स्कूल का काम करना था, टीचर्स कुछ प्रॉब्लम है तो ही हैज टू गो टू कंसल्ट विद अ टीचर एंड कम बैक टू हिज होम. दिस इज द महात्मा गांधी रेगुलर एक्टिविटी व्हेन ही वाज इन द प्राइमरी स्कूल. ओके, सो फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर है बच्चों? फर्स्ट पैराग्राफ इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो नाउ कम टू द सेकेंड. व्हाट हैपेंड? Two incidents belonging to this period have always clung to my memory. So, when he was in primary,
उनके महात्मा गांधी के साथ कुछ दो ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जो उनके मेमोरी में हमेशा के लिए छप गए। इट मीन्स हेल्ड द क्लोजली, काफी क्लोजली उनके मेमोरी में वो बैठ गया था, ठीक है। बहुत सारी बातें, दो ऐसे इंसिडेंट हुए थे उनके साथ व्हेन ही वाज इन प्राइमरी। एज अ रूल आई हैड डिस्टेस्ट फॉर एनी रीडिंग बियॉन्ड माई स्कूल बुक्स, बट सम हाउ माई आईज फेल ऑन अ बुक परचेज बाय माई फादर। एक्चुअली जो एम के गांधी थे उनका इंटरेस्ट टोटल स्कूल के बुक में होता था, वॉट एवर जो बुक्स प्रोवाइडेड बाय द स्कूल टू रीड वो एक्चुअली उसी में लगे रहते थे। जो भी बुक्स उन्हें पढ़ना, अपने सिलेबस की बुक, अपने क्लास की ही बुक वो पढ़ते थे, उसके अलावा वो बाहर की कोई भी बुक नहीं देखते थे। बट वन टाइम व्हाट हैपेंड टू हिम, ही सॉ अ बुक ही सॉ ए बुक विच वॉज परचेज बाई हिज फादर। उसके फादर के द्वारा एक बुक परचेज किया गया था, उस पर उनकी आग गई, ठीक है, उनका नजर गया। इट वॉज श्रवणा पितृ भक्ति नाटक, अ प्ले अबाउट श्रवणास डिवोशन टू हिज पेरेंट्स। श्रवणा, श्रवणा आप श्रवण कुमार के बारे में आप लोग जानते होंगे, यस मैम, श्रवण यस मैम जो मैम, अपने माता पिता को अ वेरी तराजू पे लेके फेमस चलते थे यस काफी तराजू पे मैम, लेके अंधे चलते थे थे उनके माता पेरेंट्स पिता। से, वो अपने पेरेंट्स को लेके यस अ पिलग्रिमेज के लिए लेके जाते थे, तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे। ही इज अ वेरी फेमस पर्सन एक्चुअली हु इज डिवोटेड टू हिज पेरेंट्स। तो इस यही श्रवण के बारे में ही उस बुक में एक्चुअली रिटर्न था, ठीक है। उनकी पितृ भक्ति नाटक, ये जो प्ले था पितृ भक्ति नाटक, ये उस बुक में था और इससे वो काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हुए। आई रीड इट विथ इंटेंस इंटरेस्ट, इंटेंस इट मीन्स डीप इंटरेस्ट, काफी डीप इंटरेस्ट के साथ एम के गांधी ने उस श्रवण कुमार की बुक को पढ़ा। वन पिक्चर इन द बुक शोज श्रवणा कैरिंग हिज पेरेंट्स ऑन पिलग्रिमेज, एंड वन पिक्चर इज ऑल्सो, सपोज आपकी बुक में भी काफी सारे पिक्चर्स होते हैं स्टोरीज के साथ, तो वो पिक्चर्स क्या करते हैं एक्चुअली, एक तरीके का क्या बोलते हैं, हमारे माइंड को कैप्चर कर लेते हैं कि व्हाट एक्चुअली अ स्टोरी इज शोइंग, स्टोरी में क्या दिखाना चाह रहा है, वो पिक्चर के थ्रू हमारे माइंड में कैप्चर्ड हो जाता है ना। दिस इज द रीजन बिहाइंड द गिविंग द पिक्चर्स इन योर बुक। आपके बुक में जो भी पिक्चर्स है इसका रीजन यही होता है ताकि आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि स्टोरी में क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाया जा रहा है। एंड सिमिलरली दिस थिंग हैपेंड टू द महात्मा गांधी, वन पिक्चर इज गिवन इन दैट बुक, इन दैट पिक्चर यू कैन सी इन योर बुक कि श्रवण कुमार दोनों लिए हुए हैं बैलेंस, और उसमें माता और पिता को दोनों तरफ बैलेंस करते हुए कैरी करते हुए पिलग्रिमेज के लिए लेके जा रहे हैं। पिलग्रिमेज का मतलब क्या होता है, अ जर्नी टू अ हॉली प्लेस। हॉली प्लेस पे जो तीर्थ यात्रा के लिए लोग जाते हैं जनरली जो हमारे पेरेंट्स हैं या किसी के पेरेंट्स होते हैं वो ओल्ड एज में पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, बट क्या होता है वो काफी वीक हो जाते हैं। ओल्ड होने के बाद क्या होते हैं पेरेंट्स, वीक हो जाते हैं, तो उन्हें उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो अपने आप हो सक जा होली प्लेसेस पे जाए। तो काफी अच्छे जो उनके डॉक्टर्स होते हैं, सन होते हैं, वो क्या करते हैं उन्हें लेकर जाते हैं, ठीक है ना, उनको उनकी काफी देख रेख करते हुए लेकर जाते हैं। सिमिलरली जो श्रवण कुमार था उसने भी किया था ऐसा, बट उनका ये करना काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है आजकल के जिनके बच्चों के लिए, ठीक है। वो इस तरीके से पिलग्रिमेज की के लिए अपने पेरेंट्स को लेकर गए थे। द बुक एंड द पिक्चर लिफ्ट एन अनडाइंग इम्प्रेशन ऑन माई माइंड, हियर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी आई सेड टू माई सेल्फ। तो ये जो बुक था, ठीक है, श्रवण श्रवणा पितृ भक्ति प्ले का जो ये बुक था, ये बुक और उस बुक में ये जो पिक्चर था, ये एक अनडाइंग इम्प्रेशन महात्मा गांधी के माइंड पे छोड़ के चला गया। अनडाइंग इम्प्रेशन कहने का मतलब एक ऐसा इम्प्रेशन जो कभी ना खत्म हो, ठीक है। हियर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी आई सेड टू माई सेल्फ, और वो अपने आप से कह रहा है ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसे हर किसी को कॉपी करना चाहिए, हर किसी को श्रवण से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, वी हैव टू लर्न फ्रॉम इट। ओके, द फर्स्ट थिंग ही फर्स्ट प्ले ही रीड अबाउट द श्रवण, एंड द नेक्स्ट व्हाट ही रीड इन दैट बुक अनदर सिमिलर प्ले, एक और प्ले था उस बुक में एक्चुअली। फर्स्ट प्ले था श्रवण कुमार के, सेकंड प्ले वो हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, जो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, ही नेवर टेल ए लाई, कैप्चर्ड माई हार्ट। और जो हरिश्चंद्र की का ये जो प्ले था ये भी उनके हार्ट को काफी ज्यादा कैप्चर किया,
why should not all be truthful like Hrishchand? वो सोचते हैं हम सब क्यों नहीं हरिश्चंद्र की तरह ट्रूथफुल है, जिस तरह से हरिश्चंद्र इतने ट्रूथफुल थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, हम क्यों नहीं है वैसे? Was the question I asked myself day and night. और इस तरीके का क्वेश्चन वो हमेशा करते रहते थे दिन रात अपने आप से कि मैं हम भी तो इस तरीके का सच बोल सकते हैं, हम सभी भी बोल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बोलते हैं जिस तरीके से किंग हरिश्चंद्र बोला करते थे. ओके, सो नाउ टू फॉलो ट्रूथ एंड टू गो थ्रू ऑल ऑर्डर्स हरिश्चंद्र वेंट थ्रू वाज एंड वन आइडियल इज इंस्पायर्ड इन मी. तो हरिश्चंद्र जिस तरीके से ट्रूथ को फॉलो कर रहे थे, he was following the truth, उनके साथ उनके इस ट्रूथ को फॉलो करते हुए यानी काफी सारे ऑर्डर्स, ऑर्डर्स का मतलब हो जाता है पेनफुल एक्सपीरियंस, उनका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा पेनफुल था. शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा उन्हें किसके, वो एक किंग होते हुए भी काफी ज्यादा पुअर लोगों की तरह उन्हें अपनी लाइफ जीनी पड़ी थी. काफी पुअर, काफी ज्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस था उनकी लाइफ में. तो उन्होंने ये भी देखा कि इस तरीके के एक्सपीरियंस लाइफ में एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी उन्होंने सच का रास्ता कभी नहीं छोड़ा. ठीक है, ही नेवर लिफ्ट द पाथ ऑफ ट्रूथ, और वो हमेशा सच बोलते रहे. और ये चीज उन्हें काफी ज्यादा इंस्पायर्ड की. किसे? एम के गांधी, महात्मा गांधी को ये चीज काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हुई. सो हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? 5 to 6 minutes. यस, सो द नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ एंड नेक्स्ट पेज वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, क्योंकि आज ये पूरा कंप्लीट हो नहीं पाएगा. इसके बाद अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि एम के गांधी ने जो बुक पढ़ी थी वो उन्हें काफी ज्यादा इंस्पायर्ड की. फर्स्ट बुक अबाउट श्रवण कुमार, श्रवणा पितृभक्ति क्लिक, एंड द सेकेंड वन इज हरिश्चंद्र. ओके, तो फर्स्ट बुक उन्हें काफी ज्यादा डिवोशन सिखाती है, काफी ज्यादा डिवोशन सिखाते हैं अपने पेरेंट्स के प्रति किस तरीके से हमें डिवोटेड होना चाहिए. एंड द सेकंड बुक ही उन्हें क्या सिखाता है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए. वी शुड नेवर टेल ए लाई व्हाट एवर द थिंग्स कम इन आवर लाइफ. किस तरीके का भी सिचुएशन हो, नेवर टेल ए लाई. एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन हिज स्कूल टाइम, इन हिज प्राइमरी स्कूल टाइम, वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग. एंड योर होमवर्क इज इन पेज नंबर 20, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, हैव यू एवर मेड एनी मिस्टेक एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट. आपने कभी कोई मिस्टेक किया है और अगर उस मिस्टेक से आपने क्या सीखा, ये दो क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से कर कर आइएगा होमवर्क में इन रफ कॉपी. ओके, थैंक यू. ओके, so we will discuss in the next class. Thank you, ma'am. Okay, thank you, class. Bye, ma'am. Most welcome, everyone. Bye.